Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। आपने पिछले वीडियो में वीडियो जो लेक्चर हमारे पास 18 था, उसमें आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, इनका जनरल सोल्यूशन निकाला। फिर साइन थीटा, साइन अल्फ़ा, कॉस थीटा, कॉस अल्फ़ा और टेन थीटा, टेन अल्फ़ा। अब इनका कैसे हम एक्सरसाइज में यूज़ कैसे करेंगे, एग्जाम्पल तो मैंने डिस्कस किया पिछले वीडियो में। अब एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन 1 to 9 मैं बता रहा हूँ, ताकि उसको और अच्छी तरह से आपको आ जाए कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा। वैसे आप खुद कर सकते हैं स्टूडेंट, फिर भी देखें, आप वीडियो पॉज करके आप करें और फिर इसके बाद मिलाएं इसका सोल्यूशन। तो देखें, हमारे पास कर फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ 10x इक्वल टू रूट 3। इसका प्रिंसिपल भी निकालना है, सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। मैंने बताया था स्टूडेंट, प्रिंसिपल सोल्यूशन कितने होते हैं, 2, और जनरल सोल्यूशन तो नंबर एंड नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है। तो पहले हमें दे रखा है, तो इसका जो सोल्यूशन है स्टूडेंट, क्या कर रहे हैं, हम लिखते हैं 10x रूट 3 है, हम इसको लिखेंगे 10 के टेबल में रूट 3 वैल्यू किसकी होती है स्टूडेंट, रूट 3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री। 60 का मतलब हुआ π/3, तो हम लिखेंगे π/3। अब आपको पता है ये 10 पॉजिटिव है स्टूडेंट, तो 10 पॉजिटिव है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में, देखो ASTC, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन कॉस एक्स सेकेंड, 10 क्वाड थर्ड। तो हमें तो 10 क्वाड में से 10 है, एक तो फर्स्ट में पॉजिटिव हुआ और थर्ड, तो दोनों में हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो 10x 10π/3 हो गया, तो देयरफॉर क्या हुआ, x इक्वल टू π/3। एक तो सोल्यूशन स्टूडेंट ये हो गया हमारे पास, दूसरा 10x इक्वल टू 10। अब हमें थर्ड क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई प्लस करके आता है स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो इसके बाद हम लिखेंगे 10x इक्वल टू 10 3 पाई और 1 4 पाई बाय 3, तो देयरफॉर x इक्वल टू 4π/3। हैंस प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ 10x इक्वल टू रूट 3 आर π/3 एंड 4π/3। स्टूडेंट हमारे पास 2 इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गए, कौन कौन से, π/3 और 4π/3। अब हमें इसका निकालना है जनरल सोल्यूशन, तो जनरल सोल्यूशन देखो हमारे पास ये आ जाएगा, उसके लिए फॉर जनरल सोल्यूशन हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 10x इक्वल टू रूट 3 दिया हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 10π/3, ठीक है, 10π/3 है। अब देखो हम इसको क्या कर रहे हैं, 10x, अब यहाँ पे देखो हम लिखेंगे 10x इक्वल टू 10 अल्फ़ा हो या 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फ़ा हो, तो x क्या होता है, n पाई प्लस अल्फ़ा और n बिलोंग्स टू z, ये आपको फार्मूला प्रूव किया है स्टूडेंट आपने पिछले वीडियो में, 10x 10 अल्फ़ा हो तो x n पाई प्लस अल्फ़ा होता है, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा π/3 n बिलोंग्स टू z, ये इसका सोल्यूशन हो गया, ये जनरल सोल्यूशन हो गया। तो आप देख रहे हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन बताए तो 2 होते हैं हमेशा, और जनरल सोल्यूशन ये आ गया, क्योंकि मैंने बताया था इसका हमारे पास पीरियड होता है साइन कॉस का 0 से 2π, उसके बाद वैल्यू बदलती है, उस पीरियड में प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालते हैं। तो 2 क्वाड्रेंट में प्लस होता है तो 2 क्वाड्रेंट में आ जाएगा, माइनस होता है तो 2 क्वाड्रेंट में आता है, ऐसे 10 क्वाड का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, तो उसकी भी जो है हमारे पास 2 क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव और 2 में नेगेटिव होता है, तो हम उसी में उसकी भी वैल्यू निकालते हैं।
अब देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है. फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ सीकेंट एक्स इक्वल टू 2. अब सीकेंट एक्स 2 हमें दिया हुआ है, इसका हमें क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल. पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो देखो सीकेंट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सीकेंट का अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स, और इसका अपोजिट 1/2. ठीक है, तो मैं सीकेंट को लिख दूँ 1/cos, तो उसको उल्टा कर दो तो अपने आप 1/2 हो जाएगा ना हमारे पास. ठीक है, सीकेंट को लिख सकते हैं 1/cos x इक्वल टू 2, तो उल्टा करेंगे तो cos x इक्वल टू 1/2 ही आ जाएगा. अब क्योंकि हमारे पास हमने वैल्यू तो आपको सीकेंट और कोसीकेंट का तो सोल्यूशन बताया नहीं था, अब देखें यहाँ पे क्योंकि पॉसिबल नहीं था तो cos x में आ गया 1/2. अब देखो इसको लिख सकते हैं cos के अंदर 1/2 वैल्यू किसकी होती है स्टूडेंट, cos के टेबल में 1/2 वैल्यू 60 डिग्री की होती है. मैं लिख सकता हूँ cos 60 का मतलब π/3 हो गया, तो therefore x π/3 हो गया. अब स्टूडेंट इसके बाद क्योंकि cos कितने किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, cos 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट में एक फोर्थ में. अब फोर्थ में लेना चाहें तो क्या लेंगे, फोर्थ में लेंगे हम देखो cos x, तो cos क्या होगा -π/3, वहाँ भी होगा बट नेगेटिव में होगा, cos माइनस थीटा पॉजिटिव नहीं होता प्लस, तो हम cos माइनस करेंगे तो therefore x क्या हुआ -π/3. Hence principle principle solution of secant x equal to 2 are π/3 and -π/3 हो गया. अब हमें इसका स्टूडेंट क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन. तो देखो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ सीकेंट एक्स इक्वल टू 2. तो देखो सीकेंट को फिर हम कन्वर्ट करेंगे, इसको लिखेंगे कॉस एक्स इक्वल टू 1/2, और कॉस एक्स 1/2 वैल्यू किसकी होगी, π/3. तो हमारे पास स्टूडेंट जानते हैं कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा, एक्स इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू जेड. ये हमारे पास फार्मूला होता है, तो बन जाएगा स्टूडेंट एक्स इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा और n बिलोंग्स टू जेड. तो आप देख रहे हैं ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया. दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे -π/3 तो भी उससे जनरल सॉल्यूशन आएगा. दोनों का आंसर सेम, कोई एक बुक में दिया होगा तो चाहे आप उससे करो या इससे करें, तो इस तरह से ये आ गया सॉल्यूशन. घचर घचर. हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन 3rd है ये NCERT का. फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot x -√3. तो देखें cot x दे रखा है -√3, और अब देखें cot नेगेटिव किन किन क्वाड्रेंट में होता है स्टूडेंट, सेकेंड एंड फोर्थ में. ये देखो cot x, तो हमारे पास ASTC है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव cot, टेन cot पॉजिटिव किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में. तो फर्स्ट थर्ड को छोड़ दो, सेकेंड फोर्थ में टेन cot नेगेटिव होते हैं, cot नेगेटिव हो गया. अब cot x हमारे पास -√ दिया है, तो पहले cot को मैं चेंज कर लूँ, क्या चेंज करूँगा, टेन में, तो बन जाएगा 10x, और ये -1/√3 उल्टा हो जाएगा ना, cot का उल्टा 10, तो इसका भी उल्टा कर दो, क्योंकि हमें 10x से थोड़ा इजी रहेगा. अब 10x देखते हैं किस क्वाड्रेंट में, ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकेंड या फोर्थ. प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी तो दोनों में निकालना पड़ेगा. 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री. तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 10π - π/6. अब देखो 10 180 माइनस थीटा क्या होगा, हमारे पास ये फार्मूला होता है 10 180 माइनस थीटा -10θ. 180 वैल्यू बदलती नहीं है, क्वाड्रेंट सेकेंड जा रहा है, सेकेंड में 10 नेगेटिव होगा. अब मैंने यहाँ रख दिया 10π - π/6, तो यहाँ हो जाएगा -10π/6,
और 10π/6 क्या होता है, 1/√3। तो ये स्टूडेंट वैल्यू आ गई ना हमारे पास इसकी। आप इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, 10x 10 6π में से 1 गए 5π/6, तो देयरफोर स्टूडेंट x क्या हुआ, 5π/6। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आई है। अब स्टूडेंट हम इसकी दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 10x इक्वल टू 10। अब सेकंड क्या हो जाएगा वैल्यू, नेगेटिव 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में 2π माइनस कर लें हम, फोर्थ में क्या होगा 2π-π/6, तो ये बन जाएगा 10 6 to the 12, 12 minus 1, 11 π/6, ये 10x हो गया। तो therefore x क्या हुआ हमारे पास, 11π/6। Hence principal वैल्यू या प्रिंसिपल सोल्यूशन कह सकते हैं, प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन बोला है तो आपका होगा प्रिंसिपल सोल्यूशंस आर कौन कौन से हो गए, 5π/6 एंड 11π/6। हमारे पास प्रिंसिपल सोल्यूशन जो है किसका, प्रिंसिपल सोल्यूशन यहाँ लिख दो ऑफ cot x -√3 आर 5π/6 एंड 11π/6, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया। स्टूडेंट हमें इसका जनरल सोल्यूशन बताना है, तो अगर जनरल सोल्यूशन बताना है तो क्या करेंगे जनरल सोल्यूशन में, अब यहाँ देखो ले लेते हैं हम इसका जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन लेना है तो जनरल सोल्यूशन में क्या करेंगे हम, देखो हम लिख देंगे 10x माइनस 1/√3, 10x ये बन गया स्टूडेंट 10 π-π/6, यानी ये जो रिजल्ट था ले लिया हमने, और 10x इक्वल टू 10 5π/6। अब आपको पता है कि 10x इक्वल टू 10 अल्फा होता है, तो हमारे पास देयरफोर क्या होता है, x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू z, ये फार्मूला है ना हमारे पास स्टूडेंट प्रूव कराया था, तो यहाँ पे वही लगा देंगे, देयरफोर x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा 5π/6 एंड बिलोंग्स टू जेड। तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। तो देखो कैसे हम फार्मूलों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखो फोर्थ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 4 NCERT का, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ cosec x, यह cosec x माइनस 2, तो cosec x को हम कह सकते हैं स्टूडेंट साइन x, इसका उल्टा कर देंगे साइन x, तो इसका उल्टा कर देंगे -1/2, ठीक है। cosec का रिवर्स करेंगे तो साइन, और इसका रिवर्स करेंगे तो -1/2 आ गया। अब देखते हैं हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। आप देखो साइन एक्स पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में होता है, नेगेटिव थर्ड एंड फोर्थ में होता है स्टूडेंट, तो ये नेगेटिव है तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट लेना है, थर्ड में पाई प्लस और फोर्थ में 2π माइनस करके तब आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर हमने लिखा साइन एक्स, यहाँ पे साइन पाई प्लस हाफ वैल्यू किसकी होती है, ये 30 डिग्री यानी π/6, तो ये स्टूडेंट बन गया साइन एक्स साइन 6π और 1 7π/6, देयरफोर x 7π/6। अब दूसरा में निकालना है साइन एक्स इक्वल टू साइन, अब हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में था, फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे स्टूडेंट, फोर्थ में भी साइन नेगेटिव होता है, ठीक है, तो हम इसको 2π माइनस करके लेंगे तब आएगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2π और हाफ की वैल्यू क्या होती है -π/6, तो ये बन जाएगा साइन, क्योंकि इसको अगर हम चेंज करते हैं साइन 360 माइनस थीटा, तो देखो साइन 2π-θ ये क्या होता है -sin θ होता है, तो ऐसे 2π-π/6 -sin π/6 हो जाएगा, अगर यहाँ 2π-π/6 लेते हैं हम, तो ये बन जाएगा हमारे पास -½, तो -½ की वैल्यू ये भी हो गई ना हमारे पास। तो इस तरह से हम स्टूडेंट लिख सकते हैं 6 to the 12, 12 और 1, 11π/6 और साइन एक्स, तो देयरफोर एक्स क्या हुआ 11π/6। तो हम लिखें सो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस
So principal solutions of cos x equal to minus 2 r 7 pi by 6 and 11 pi by 6, ये दो आ गए। अब स्टूडेंट हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो इसका जनरल सोल्यूशन देखें क्या होगा हमारे पास। इसका जनरल सोल्यूशन देखें, जनरल सोल्यूशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो हम इसको लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू माइनस हाफ, और साइन एक्स माइनस हाफ है तो लिख सकते हैं हम इसको क्या, साइन पाई प्लस पाई बाई सिक्स। कोई एक प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है हमें, दोनों नहीं, तो ये बन जाएगा साइन एक्स इक्वल टू साइन सेवन पाई बाई सिक्स। अब देखें स्टूडेंट, हमें पता है साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा अगर दिया हो, एक्स क्या होता है एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड, ये आपको जनरल सोल्यूशन प्रूव कराया हुआ है, तो उसका वही सेम इम्प्लीमेंट कर देंगे, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा हो गया, देयरफोर एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन इंटू एन अल्फा सेवन पाई बाई सिक्स, और एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये स्टूडेंट इसका जनरल सोल्यूशन आ गया, प्रिंसिपल सोल्यूशन दो और एक इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, कर फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ कॉस 4x इक्वल टू कॉस 2x है, तो देखें इसका सोल्यूशन कॉस 4x इक्वल टू कॉस 2x। तो यहाँ पे देखो दोनों ही वेरिएबल हैं, कांस्टेंट नहीं है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, और कॉस 4x माइनस कॉस 2x, 2x को इधर ला के माइनस कर दिया। अब देखो हमारे पास फार्मूला है कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, ये होता है ना स्टूडेंट। तो आप देखो कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगाएंगे, ये बन जाएगा माइनस टू साइन, और ये बना सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू इक्वल टू जीरो हो गया स्टूडेंट। माइनस टू तो जीरो हो नहीं सकता, तो देयरफोर क्या हो जाएगा साइन, यहाँ देखो एक साइन हमारे पास क्या है 4x प्लस 2x अपॉन 2, तो इसको हम देखो और आगे सॉल्व करें तो क्या बन जाता है 2 साइन 4 और 2 6, 6 अपॉन 2 क्या बन जाएगा हमारे पास 6 अपॉन 2 3x, और यहाँ क्या बन जाएगा 4 माइनस 2 2x अपॉन 2 x इक्वल टू जीरो। अब देखो कितने फैक्टर हैं इसके, दो फैक्टर हैं, तो माइनस टू तो जीरो नहीं होगा, तो देयरफोर हम लिख सकते हैं या तो साइन थ्री एक्स इक्वल टू जीरो है और साइन एक्स इक्वल टू जीरो है, दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है, या ये होगा आइदर दिस और दिस, ऐसे लिख सकते हो आइदर साइन थ्री एक्स इक्वल टू जीरो और साइन एक्स इक्वल टू जीरो। अब जनरल वैल्यू क्या होती है, अगर साइन एक्स जीरो स्टूडेंट देखो आप हमें दिया हो साइन एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो देयरफोर एक्स क्या होता है एन पाई एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, तो यहाँ देखो साइन एक्स जीरो है तो थ्री एक्स क्या हो गया एन पाई, एक्स क्या हो गया एन पाई अपॉन थ्री, और एन बिलोंग्स टू जेड, यहाँ भी एक्स इक्वल टू क्या हो गया एन पाई एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये हमारे पास दो अलग अलग आंसर आए, एक एक्स एन पाई बाई थ्री, दूसरा एन पाई। तो इस तरह से देखो इसका जनरल सोल्यूशन हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ स्टूडेंट देखें इसमें, कर फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ कॉस थ्री एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो हमने क्वेश्चन लिख लिया स्टूडेंट, देखें अब कैसे सॉल्व करते हैं ये, इन दोनों का फार्मूला सी डी लगा देंगे, तो देखो सी डी फार्मूला क्या होता है कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट हम, तो क्या बन जाएगा टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, ये हो गया, उसके बाद आ गया माइनस कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो, ये बन गया स्टूडेंट कॉस थ्री और वन फोर, फोर अपॉन टू टू एक्स कॉस टू एक्स अपॉन टू एक्स, और इसके बाद आ गया हमारे पास माइनस
कॉस 2x इक्वल टू जीरो। अब कॉस 2x दोनों में कॉमन आ गया स्टूडेंट, हमारे पास ये बन गया 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। अब लिखेंगे हम आइदर कॉस 2x इक्वल टू जीरो, ठीक है, और कॉस 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, यानी इन दोनों में से स्टूडेंट कोई एक जीरो होगा, या तो कॉस ये 2x जीरो होगा या 2 cos x माइनस 1 जीरो होगा। तो अगर कॉस 2x इक्वल टू जीरो है, इधर 2 cos x इक्वल टू 1 आ गया, cos x इक्वल टू 1/2। आपको पता है हमारे पास बिकॉज cos x इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर x इक्वल टू 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z होता है स्टूडेंट। तो देखो cos x जीरो है तो हमारे पास क्या हो गया, 2x इक्वल टू 2n+1 π/2, और x क्या हो जाएगा, 2 नीचे चला गया, 2n+1 π/4 n बिलोंग्स टू z, ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास, क्लियर। और cos x हाफ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, किस में हाफ वैल्यूज की कहाँ आती जानते हैं, cos x हाफ होता है cos 60 डिग्री वैल्यू, cos 60 का मतलब π/3। अब देखो फार्मूला बना हमारे पास cos x इक्वल टू cos α, तो देयरफॉर x क्या होगा, 2n π± α n बिलोंग्स टू z, ये फार्मूला हमारे पास देखो एक ही फार्मूला हो गया। तो यहाँ cos x इक्वल टू cos α है, तो x इक्वल टू 2n π± α π/3 n बिलोंग्स टू z, ये आंसर आ गया स्टूडेंट हमारे पास। तो आपने देखा किस तरह से सॉल्व किया, इसमें cos C + D का फार्मूला लगा दिया, ये एडिटिव है, और ये जो रिजल्ट आया इनमें cos 2x कॉमन आ गया, ये इधर आ गया, दोनों को अलग अलग करके वैल्यू हमने सॉल्व कर ली। ये cos x जीरो होता है, x 2n+1 π/2 होता है, उसको लगाया, इसको 1 उधर ले गया, 2 नीचे, cos x हाफ हो गया, तो इसकी वैल्यू π/3। cos x cos α तो x 2n π + n - α होता है स्टूडेंट, वो लगा दिया और हमारे पास सोल्यूशन आ गया। हाँ स्टूडेंट देखें, ये 7 क्वेश्चन है, जनरल सोल्यूशन हमें निकालना है sin 2x + cos x = 0। तो अब देखें स्टूडेंट, इस sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x + cos x = 0, दोनों में से cos x कॉमन, तो बन गया 2 sin x + 1 = 0। हम लिख सकते हैं आइदर cos x = 0 होगा और 2 sin x + 1 = 0। स्टूडेंट एक तो cos x 0 कब होता है जानते हैं, cos x 0 तब होता है जब x इक्वल टू 2n+1 π/2 होता है। तो एक तो आ गया सोल्यूशन, दूसरा 2 sin x 1 को उधर ले गए -1, sin x = -1/2। अब इसका एक प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे किस में होता है स्टूडेंट, ये हाफ वैल्यू 30 डिग्री होती है, बट नेगेटिव है, तो साइन माइनस किस में होता है, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव, तो थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। हम थर्ड ले सकते हैं या फोर्थ क्वाड्रेंट ले सकते हैं, अगर थर्ड लेंगे तो क्या लेंगे, π + π/ किसकी है 30, यानी π/6। तो sin x = हो गया हमारे पास स्टूडेंट sin 7π/6, ये हो गया हमारे पास, इसकी वैल्यू माइनस हाफ हो गई। अब हमारे पास देखो ये फार्मूला होता है बिकॉज sin x = sin α, तो x क्या होता है n π + -1 n α, n बिलोंग्स टू z, इंटीजर होता है, ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो x क्या होगा n π + -1 n α, अल्फा क्या हुआ 7π/6 और n बिलोंग्स टू z। तो ये आंसर आ गया जनरल सोल्यूशन, यानी n नंबर ऑफ सोल्यूशन आ गया स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ सीकेंट स्केयर 2x 1 - tan 2x। तो ये क्वेश्चन है, सीकेंट स्केयर को हम लिख सकते हैं 1 + tan² x। स्टूडेंट ये पता है आपको फार्मूला, पढ़ा है 10th में, सीकेंट स्केयर क्या होता है, सीकेंट स्केयर x होता है 1 + tan² x, ये होता है, तो हमने इस फार्मूले को यूज़ कर दिया। अब दोनों साइड 1 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, टेन स्केयर 2x इधर आ कर के tan 2x = 0 बन गया, माइनस इधर आके प्लस हो गया स्टूडेंट। अब दोनों में हमारे पास
कॉमन आ गया tan 2x, तो बन जाएगा tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट, कॉमन आ गया। अब हम लिखेंगे आइदर tan 2x इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखें tan 2x, tan x 0 होता है तो देखें हमारे पास दिया हो tan x इक्वल टू 0, तो x क्या होता है n पाई, n बिलोंग्स टू z होता है ना हमारे पास सोल्यूशन, तो देयरफॉर देखें हमारे पास क्या होगा 2x इक्वल टू n पाई, x होगा n पाई अपॉन 2 एंड n बिलोंग्स टू z। एक तो आंसर ये हो गया हमारे पास। दूसरा यहाँ से लेते हैं स्टूडेंट tan 2x, 1 को चले गए माइनस 1। अब देखते हैं इसके प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी पड़ेगी स्टूडेंट। मैंने बताया था चार वैल्यू थी जो जीरो के इक्वल थी, और आगे जो तीन थे फार्मूले वो जीरो के इक्वल नहीं थे, कुछ वैल्यू थी से साइन थीटा साइन अल्फा, कॉस थीटा कॉस अल्फा, टेन थीटा टेन अल्फा, ये था। तो उसमें ये बन गया ना टेन थीटा, यहाँ टेन अल्फा बना लो। अब वन हमारे पास वैल्यू किसकी होती है टेन पाई बाई फोर। क्वाड्रेंट कौन सा स्टूडेंट, ये क्वाड्रेंट है हमारे पास नेगेटिव है, तो टेन नेगेटिव सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकेंड में हम क्या करेंगे टेन पाई माइनस ये पाई बाई फोर कर लें। अब ये रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास टेन टू एक्स टेन थ्री पाई बाई फोर। अब देखिए हमारे पास ये फार्मूला बनता है टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा, तो देयर फोर एक्स क्या होगा एन पाई प्लस अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये यूज़ करेंगे हम यहाँ पर स्टूडेंट, देन टू एक्स इज वाट टू एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा थ्री पाई बाई फोर, देन एक्स इज वाट एन पाई बाई टू एन थ्री पाई बाई एट एंड एन बिलोंग्स टू जेड। दिस इज आंसर एंड इन दिस वे वी कैन फाइंड द एन नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये सीकेंट स्केयर टू एक्स वन माइनस टेन था, सिमिलरली हमने चेंज कर वन प्लस टेन स्केयर कर दिया, वन कैंसिल होगा टेन फैमिली आ गई, कॉमन लेके सॉल्व कर लिया स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है, और आई थिंक कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया सब कुछ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन देखें हमारे पास है, ये इसका सोल्यूशन कर रहे हैं साइन 5x, इसको ले लें पहले साइन 5x प्लस साइन x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। हमने इसको पहले ले लिया, देखो 5 और 1 6 होते हैं, अपॉन 2 करोगे तो 3 आ जाएगा और कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट, इसीलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। और इसके बाद देखें इसमें हम लगा रहे हैं इन दोनों में सी टी फार्मूला, और सी टी फार्मूला क्या होता है देखो, बिकॉज साइन सी प्लस साइन डी ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो स्टूडेंट इसमें हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या बनेगा ये फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। ये बन गया स्टूडेंट 2 साइन 6 अपॉन 2 3x कॉस 4x अपॉन 2 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। अब देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास इसके अंदर देखो कॉमन क्या है, साइन 3 कॉमन आ रहा है और हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बना यहाँ पर साइन 3x कॉमन ले लिया 2 कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं आइदर साइन 3x इक्वल टू 0 होगा और 2 कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, इन दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ही होगा हमारे पास। अब देखो हमारे पास यहाँ पे इफ़ साइन x 0 होता है स्टूडेंट, तो x क्या होता है n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, यानी इसका सोल्यूशन होता है। तो x की जगह यहाँ पर क्या है 3x है, तो 3x n पाई हो गया, x n पाई बाई 3 एंड n बिलोंग्स टू z, ये आंसर आ गया हमारे पास। यानी n नंबर n कुछ भी डालते जाओ 1 2 3 4 5 उसका आंसर, जैसे आपने 1 डाला पाई बाई 3, 2 डाला 2 पाई बाई 3, 3 डाला पाई, इस तरह से ये सारे इसके सोल्यूशन आते जाएंगे, यानी एन नंबर ऑफ सोल्यूशन आते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे हमारे पास है 2 कॉस 2x, 1 उधर ले गए कॉस 2x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 कॉस 2x। अब देखते हैं कॉस के टेबल में हाफ वैल्यू किसकी होती है स्टूडेंट, हाफ वैल्यू होती है कॉस 60 डिग्री की। अब हम लिखेंगे कॉस 60, बट ये कॉस नेगेटिव है, आपको पता है कॉस पॉजिटिव किस में होता है फर्स्ट और फोर्थ में, तो सेकंड एंड थर्ड में नेगेटिव होता है, तो पाई माइनस कर दो सेकंड, पाई प्लस कर दो थर्ड, तो किसी में भी हम ले सकते हैं
तो मैं पाई माइनस कर देता हूँ और ये वैल्यू किसकी है 60 यानी पाई बाई 3, कॉस 60 की वैल्यू होती है ना हाफ, तो ये पाई बाई 3 हो गया। अब ये बन जाएगा कॉस 2x इक्वल टू कॉस 3 पाई में से 1 पाई गए 2 पाई बाई 3। अब देखें स्टूडेंट ये फार्मूला कौन से यहाँ अप्लाई होता है, यहाँ देखते हैं तो हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है बिकॉज कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एल्फ़ा, तो ये क्या होता है एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फ़ा, n बिलोंग्स टू जेड, ये फार्मूला हमारे पास देखो यूज़ हो रहा है यहाँ पर कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एल्फ़ा, तो ये बन गया 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फ़ा 2 पाई बाई 3। अब स्टूडेंट 2 नीचे ले गए, 2 से डिवाइड हुआ n पाई यहाँ पर और प्लस माइनस पाई बाई 3, तो हमारे पास n बिलोंग्स टू जेड इंटीजर हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये n नंबर अब सोल्यूशन आ गया, अगर n जेड है इंटीजर है तो देखो अगर मैं 0 डालूं या जेड तो ये प्लस माइनस पाई बाई 3 आंसर आ रहा है, 1 डालूं तो पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 आ रहा है, 2 डालूं तो 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये जैसे माइनस पाई बाई 3 और कॉमा पाई बाई 3, इसमें पहले माइनस लेंगे 3 पाई में से पाई गए 2 पाई बाई 3 और प्लस लेंगे तो 3 और 4 पाई बाई 3, इसमें माइनस लेंगे 3 टू जो 6 में से 1 गए 5 पाई बाई 3 और प्लस करेंगे तो 6 और 1 7 पाई बाई 3। आप देख रहे हैं माइनस पाई बाई 3 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 5 पाई बाई 3 फिर 7, ये सारे क्या हैं इसके, ये सोल्यूशन हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल, तो एक सोल्यूशन नहीं आया एन नंबर आप सोल्यूशन आया, तो इसको लिखने का स्टूडेंट तरीका आपने देख लिया कैसे करते हैं हम इसका, तो है इस तरह से आपको जो 7 फार्मूले हैं जिसमें मैंने बताया था साइन थीटा इक्वल टू 0 कॉस थीटा 0 साइन थीटा 0 और टेन थीटा 0 इनका जनरल सोल्यूशन एन पाई है, कॉस थीटा 0 और कॉट थीटा 0 है तो इसका जनरल सोल्यूशन 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है, और इसके साथ 3 और बताए मैंने कि सीकेंट और कोसीकेंट का होता नहीं क्योंकि 0 होते ही नहीं है, ठीक है उनकी वैल्यू माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में नहीं आती इसके बाहर, तो इसलिए वो छोड़ देते हैं वो पॉसिबल नहीं है। फिर साइन थीटा साइन अल्फ़ा हो तो थीटा एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फ़ा होता है, और इसके बाद कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा आया तो थीटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, टेन थीटा टेन अल्फ़ा है तो थीटा एन पाई प्लस अल्फ़ा, इस तरह से इनके जनरल सोल्यूशन 7 याद रखने हैं स्टूडेंट, तो आप कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और भी क्वेश्चंस हैं, अब मैं अगले वीडियो में आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा ताकि और पता चलेगा किस तरह से करते हैं, अभी तो एनसीईआरटी था आप बिल्कुल पक्का हो जाएगा इन चीज़ों को करें और अगले वीडियो का भी देखें ताकि और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप कर सकते हैं स्टूडेंट, और इस तरह से मेरे वीडियो देखते रहें, आप जाएँ कमेंट बॉक्स में वहाँ कमेंट करें और डिस्क्रिप्शन में जा करके आप वीडियो के लिंक लें और बेल आइकन का बटन दबाएं स्टूडेंट ताकि आपको वीडियो कंटिन्यूस आता रहे। थैंक यू।